हम धरना दे रहे हैं 13 तारीख से एनआरसी सीए और एनपीआर के विरोध में, क्योंकि ये कानून हमें इस समय बांट रहा है और ये संविधान की धारा हमारे। मायरा फैशंस, एन एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ डिजाइनर कलेक्शन, स्वामी कॉम्प्लेक्स एंड वेगा मॉल, अजमेर। अनुच्छेद 14 और 15 को भी क्षति पहुंचाता है और अनुच्छेद 5 जिसमें हमारी नागरिकता के संबंधी कानून बताए गए हैं उन सबको ये एक तरीके से खत्म करता है और ये हमारी जो समानता का अधिकार हमें संविधान में दिया गया है उसको भी खत्म करता है। तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं क्योंकि एक धर्म की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की बात है, क्योंकि हमें हिस्सों में बांट देगा इस तरीके से। अगर हम एनआरसी और एनपीआर और सीए ये तीनों मिलके हमको इफेक्ट करेंगे, खाली एनपीआर और एनआरसी सीए अकेले हमें इफेक्ट करते हैं, तीनों मिलके हमें इफेक्ट करेंगे। और एनआरसी जो है कितनी खर्चीली व्यवस्था है और अभी हमारी अर्थव्यवस्था इतनी बुरी हालत में चल रही है, उस टाइम पे हमें एनआरसी की कोई ज़रूरत नहीं थी और एनआरसी की अभी हमें आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि एनआरसी असम में जहाँ एनआरसी लागू की, वो असम का एक छोटा सा स्टेट है, उसकी 3 करोड़ जनसंख्या है और वहाँ पर एनआरसी करने में हमें वहाँ पे 300 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। तो ये सोचिए पूरे इंडिया में एनआरसी करने में कितना खर्च होगा। तो इससे तो हमारी अर्थव्यवस्था का कोई बहुत अच्छी आर्थिक नीति बन जाएगी जितना खर्च अगर हम एनआरसी पे करेंगे। इसलिए मैं मोदी जी और अमित शाह जी से यही कहना चाहूँगी कि आप एनआरसी और सीए जैसे मुद्दों पर हमें भटकाइए नहीं, क्योंकि हमें अभी आपसे सवाल करना है कि हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी GDP जो 8 साल से पहले 8 पे जा रही थी, वो अब 4 पे कैसे आ गई। हमारी बेरोजगारी 45 साल से सबसे खराब स्तर पे हमारी बेरोजगारी है। क्या मानते हैं मोदी सरकार गलत कर रही है? जी हाँ, गलत कर रही है, कोई सही कह नहीं सकता। मैं तो मूर्ख कहूँगी जो इस बात को सही कहूँगा। कितने दिन का धरना है ये? 24 घंटे चालू रहता है? जी हाँ, ये 24/7 धरना है और इसमें हर धर्म के लोग, सरकार काला कानून वापस नहीं लेगी, उसका धरना चालू रखोगे? हाँ जी, हम हर हालत में हर उस कीमत पे इस धरने पे बैठने को तैयार हैं और हम हर तरीके से इस बात का पुरजोर विरोध करेंगे और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि ये कानून काला कानून है और ये हमें हिस्सों में बांट देगा धार्मिक आधार पे। 70 वर्षों में अब तक ऐसा कोई कानून नहीं बना जिसमें धर्म के नाम पे किसी चीज़ पे बंटवारा हो या कोई कानून हो। हमारे संविधान भी हमें इसी चीज़ की बात है। मेरा नाम फौजिया खान। ये धरना 13 तारीख को सुबह 10 बजे से ये धरना चालू हुआ था। हमने NRC, CAA और NPR के खिलाफ ये धरना दिया है और ये आज इस धरने को 3 दिन हो गए। क्या मांगे, क्यों खराब नहीं करना? हमारी मांगे कि मोदी सरकार अपना NRC, CAA और NPR का ये जो काला कानून है इसको वापस ले। काला कानून वापस नहीं लेता मोदी सरकार तो आप आगे क्या करोगे, क्या रुक रहेगा आपका? अगर ये काला कानून वापस नहीं लेंगे तो हम ये धरना नहीं उठाएंगे, हम ये धरने में बैठे रहेंगे। ये 24 घंटे चल रहा है? जी हाँ, ये 24 घंटे चल रहा है। यहाँ पे हम रात को भी रुकते हैं और पूरे 24 घंटे यहीं रहते हैं। आपका नाम? फरजाना।